आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही कुरकुरी करेले की रेसिपी। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि कितना कुरकुरा बना है ये। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अर्चना ब्लॉग एंड रेसिपी में। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करेले की रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है 4 करेला। वजन से ये 250 ग्राम है। इसको हमने अच्छी तरह से धो करके लिया है। अब इसे हम काट लेंगे। पहले हम इसका आगे का हिस्सा काट करके निकाल देंगे और उसके बाद इसे हम गोले शेप में काट लेंगे इस तरीके से। करेले को हमें ज़्यादा मोटा या पतला नहीं रखना है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे बस इतना ही मोटा रखना है। इसी तरीके से हम सारे करेले को काट लेंगे। मैंने सारे करेले को काट लिया है। अब इसमें जो बीज है इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। मैंने सारे करेले का बीज निकाल दिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें डाल देंगे कटे हुए करेले को। करेला डालने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम इतना डालेंगे कि करेला हमारा डूब जाए। ये देखिए करेला डूब गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मैं एक छोटी चम्मच डाल रही हूँ। अब इसको हम रख देंगे चूल्हे पे और इसको हम 2 मिनट के लिए उबालेंगे। उबालने से क्या होगा, करेले का कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कड़वाहट नहीं रहेगा। करेले में उबाल आ गया है, इसको हम एक बार चला लेंगे। जब उबाल आ जाएगा तो इसको हम एक बार चला लेंगे। चलाने के बाद इसको हम फिर से ढक देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, आइए इसको चेक कर लेते हैं। करेले को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। करेला 2 मिनट में 50% पक जाता है। आइए आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए ये पक गया है, ये 50% पक चुका है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब चूल्हे को हम कर देंगे बंद। अब इसको हम छान लेंगे। करेले को हमने छान लिया है, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। करेला ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन और 2 चम्मच डालेंगे हम अरारोट पाउडर। आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं। और आधी चम्मच हम डालेंगे अजवाइन, इसे हम हथेली पर रगड़ के डालेंगे। रगड़ के डालने से क्या होता है, अजवाइन का टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाता है। और आधी चम्मच हम डालेंगे हल्दी और आधी चम्मच से कम हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे हम गोल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला, आधी चम्मच आमचूर पाउडर और 2 चुटकी हींग और साथ ही डाल देंगे हम नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद इसे हम मिलाएंगे। इसे हमें हल्के हाथों से ही मिलाना है, इसको हम चम्मच से नहीं बल्कि हाथों की मदद से मिलाएंगे। चम्मच से ठीक तरह से ये लग नहीं पाता। करेले में हमें इसको कोट करना है तो हम इसको हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इसे हमें हल्के हाथों से ही करना है क्योंकि ये आधा पका हुआ है इस तरीके से। अगर ये पूरी तरह से ना चिपके तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल या फिर आप तेल की जगह पे थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। और तेल डालने के बाद इसे हम फिर से मिलाएंगे।
ये देखिए इसको हमें अच्छी तरह से कोट करना है ताकि करेले के ऊपर एक लेयर लग जाए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे तवा, तवा को करेंगे हम गर्म। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। मेरा नॉन स्टिक तवा है, आप चाहें तो लोहे के तवा पे भी बना सकते हैं या फिर आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो हमने तेल डाल लिया है, अब तेल को हम फैला लेंगे। तेल को हमने अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम करेले को इस पे डालेंगे। करेले को हम चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। करेले को हमने चारों तरफ फैलाते हुए डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। इस तरीके से हम सारे करेले को पलट लेंगे। करेले को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि करेला जो है उबला हुआ है, तो उबलते समय ही ये आधा पक चुका था, तो इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस 2 से 3 मिनट में करेला जो है बन करके तैयार हो जाता है। बस हमें करेले को उलटते पुलटते रहना है और इसे क्रिस्पी कर लेना है और फ्लेम को हम हाई रखेंगे, हाई पे ही इसको उलट पलट के हमें क्रिस्पी करना है इस तरीके से। और फ्रेंड्स हमने मात्र इसे 2 चम्मच तेल में बना करके तैयार किया है और काफ़ी क्रिस्पी बना है। तो आप भी इसे एक बार तावे पे बना करके देखें, तावे पे बहुत ही बढ़िया बनता है। और ये देखिए हमारा करेला जो है बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम जो बचे हुए करेले हैं उसको हम तावे पे सेंक लेंगे। ये देखिए मैंने सारे करेले को सेंक लिया है और आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये काफ़ी क्रिस्पी बना है। और फ्रेंड्स ये खाने में बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है, सो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।